हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ हेरिटेज पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, तो मैं आपको फोर पार्ट्स पढ़ा चुकी थी। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मैंने आपको बताया था The words that we write or say can be divided into eight classes called parts of speech. हम जब अब पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस का एक एक वर्ड हमारा अलग अलग पार्ट्स में बनता है। कोई हमारा नाउन है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई प्रोनाउन, कोई वर्ब, कोई एडवर्ब। तो मैंने आपको वर्ब तक पढ़ा चुकी हूँ, फोर काइंड्स में आपको पढ़ा चुकी थी। नाउ एडवर्ब। An adverb tell us more about a verb, another adverb or on adjective. Okay, देखिए adverb क्या होता है। Adverb हमें verb के बारे में बताता है। Verb यानी क्रिया। हमारे sentence में कोई अगर क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, action हो रहा है, तो वो किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में more information देती है। Okay, the tortoise walked slowly. जो टॉर्टोइज है वो बहुत धीरे चलता है। अब देखिए वॉक क्या है, इसमें वर्ब है। एडवर्ब क्या कहता है हमारा, एंड एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट ए वर्ब। वर्ब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि कुछ एडिट करके देता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी, वॉक। अब कैसी वॉक है, स्लोली। द टॉर्टोइज वॉक स्लोली। तो ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब। नाउ प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन, ए प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स और वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एग्जैक्टली, प्रीपोजिशन क्या होता है, वो हमारा नाउन प्रोनाउन के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ सेंटेंस में संबंध को दिखाता है। जैसे समीरा सैट ऑन द चेयर नियर द विंडो। जो समीरा है वो चेयर पर बैठी है, कहाँ पर, विंडो के पास। अब देखिए रिलेशन दिखा रहा है ना, जैसे हमारा नाउन है समीरा है, समीरा बैठी हुई है। ओके, कहाँ पर, ऑन द चेयर, चेयर पर। तो ये आपका अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन हो गया, प्लस नियर द विंडो प्लेस के साथ। अब कंजक्शन। ए कंजक्शन हेल्प्स इन जॉइनिंग वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। एग्जैक्टली, कंजक्शन वर्ड क्या होता है, एक तरह से आप इसे कनेक्शन वर्ड कह सकते हैं, यानी कि आपके सेंटेंस में दो शब्द को आपस में मिलाने के लिए कंजक्शन वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने यहाँ लिया है, जीतू एंड मोना आर माई क्लासमेट। जो जीतू और मोना है वो मेरे क्लासमेट हैं। तो जीतू और मोना, जीतू एक हमारा नाउन है, मोना हमारा नाउन है। हमने इन दोनों को जब एक साथ बोला तो बीच में एंड लगा कर बोला। ओके, तो एंड यहाँ पे हमारा क्या है, कंजक्शन है। जीतू एंड मोना आर माय क्लासमेट। नाउ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग। जैसे कि मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाए थे, ठीक उसी तरह हुर्रे माय टीम हैज़ वॉन। तो जब हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपकी कोई भी हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, ग्रीफ की हो सकती है, दुख की हो सकती है। तो जैसे हमें जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम बोलते हैं हिप हुर्रे रहे, तो ये इंटरजेक्शन है। जब हमें एकदम से कोई बैड न्यूज़ मिलती है तो अचानक से हमारे मुँह से अलास निकलता है, तो वो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड है हुर्रे, तो ये हुर्रे वर्ड हमारा इंटरजेक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे बाकी के फोर पार्ट्स है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो अब आपको ने देखा कि हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एट पार्ट्स पढ़ाए, जिसमें नाउन हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। चीज़ में मतलब आपकी वस्तु है, एनिमल है, पर्सन है, प्लेस है। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के बारे में हमारी खास बात बताता है। प्रोनाउन क्या है, नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन है। वर्ब क्या है, वर्ब
कोई भी एक्शन, हमारे सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। इसके अलावा एडवर्ब जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमारा नाउन, प्रोनाउन और बाकी अदर सेंटेंस में जो भी वर्ड्स होते हैं उनके बीच के रिलेशन को दिखाता है। कंजक्शन, कंजक्शन जब हम दो वर्ड्स एक जैसे बोलते हैं तो आपस में उनको कनेक्शन करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे कंजक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन, हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन। हियर वी एंड योर चैप्टर।